अक्सर आपने यह तो देखा ही होगा कि कुछ लोग अपने विवादों को निपटाने के लिए गुंडों और माफियाओं का सहारा लेते हैं, जो अपने मसल पावर की वजह से दो लोगों के बीच के विवाद तो निपटा देते हैं, लेकिन बदले में उनसे तय रकम जरूर लेते हैं, और यही उन गुंडों और माफियाओं का एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक गैंगस्टर ऐसा भी था जो बाकायदा इस काम के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया करता था कि अगर आपके बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करने के लिए हम बैठे हुए हैं और आप हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में। बहुत छोटी सी उम्र में ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया में अपने नाम के चर्चे आम कर दिए। उज्जैन, इंदौर जैसे शहरों में अपने अपराध की झड़ी लगा दी थी। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर साल 2000 में हुआ था। उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। परिवार अच्छा और संपन्न था। खाते पीते परिवार में जन्म लेने के बाद ये माँ बाप का लाडला भी था। बड़े प्यार से माँ बाप ने इसका नाम दुर्लभ रखा। दुर्लभ, जिसे पाना आसान न रहा हो। यानी इस बच्चे को लेकर माँ बाप के अरमान बहुत ही ऊंचे दर्जे के रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा बड़ा होकर कुछ बड़ा काम करेगा, जिंदगी में निश्चित ही कोई दुर्लभ मुकाम हासिल करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। दुर्लभ के भी रंग ढंग उसके स्कूल जीवन से दिखने लगे। वह स्कूल में अपने दोस्तों के बीच खासा पसंद किया जाने लगा, और इसका कारण यह कि वह अक्सर अपने दोस्तों के बीच झगड़ा निपटाया करता था। धीरे धीरे वह अपने से बड़े उम्र के लड़कों के बीच भी झगड़े निपटाने लगा। स्कूल में सीनियर और जूनियर का फर्क तब खत्म हो गया जब दुर्लभ कश्यप का रुतबा स्कूल में सभी बच्चों से बड़ा हो गया। दुर्लभ कश्यप का भविष्य जिस ओर जाने वाला था, ऐसे लगता है उसका बीज उसके मन में स्कूल लाइफ में पड़ चुका था। आगे चलकर साल 2017 में उसने अपने स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के साथ मिलकर एक स्पेशल गैंग बनाया। उसने अपने गैंग की एक अलग पहचान भी रखी। जी हाँ, यह शायद दुनिया का पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने गैंग के सभी सदस्यों के लिए बाकायदा ड्रेस कोड भी रखा था। और उसका ड्रेस कोड था माथे पर लाल तिलक, आंखों में सुरमा और कंधे पर स्कार्फ या गमछा और सिर पर लंबे बाल जरूरी होते थे। इसके अलावा दुर्लभ के गैंग में शामिल होने वाले सभी लोगों को दुर्लभ एक शपथ दिलाया करता था, तो वह ये थी कि किसी भी क्राइम को अंजाम देते समय कोई भी मेंबर नशे में नहीं होना चाहिए। हालांकि दुर्लभ की गैंग के लोग भी नशा किया करते थे, लेकिन जब किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए निकलते थे तो पूरे होशो हवास में रहते थे। हालांकि बाद में खाली समय में ये लोग नशा ही करते थे। ये सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप की फोटो भी अपलोड करने लगा। इसने जो गैंग बनाया था उसका काम था अवैध वसूली, लूट, कार के शीशे तोड़कर उसमें से सामान निकाल लेना। धीरे धीरे दुर्लभ के गैंग में सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई, और इसके साथ ही बढ़ते चले गए दुर्लभ के आपराधिक कारनामे। लेकिन दुर्लभ का दुस्साहस देखिए। साल 2018 में इसने फेसबुक वॉल पर बाकायदा एक मैसेज डाला। इस मैसेज पर लिखा था कि हमारी उम्र भले ही छोटी है, लेकिन हमारे काम हमारी उम्र से बड़े हो गए हैं। आपको कोई परेशान करता हो, आपका किसी से कोई विवाद हो, आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये ऐसा काम था जिसे करने के बाद दुर्लभ के चर्चे वाकई में उसकी उम्र से बड़े हो गए थे। वो जाने अनजाने में बाकायदा अपराध के लिए विज्ञापन निकलवा रहा था। वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को इस तरह से पेश कर रहा था जैसे कोई पढ़ा लिखा नौजवान अपनी डिग्रियां दिखाता है। वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी फोटो अपलोड करता था। धीरे धीरे 13-14 साल के लड़कों के बीच भी उसका क्रेज इतना बढ़ गया कि वह अपने आप को दुर्लभ कश्यप की तरह देखने लगे। वह उससे आकर्षित होकर दूसरे शहरों से उसके गैंग में शामिल होने के लिए लोग आने लगे। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप के गैंग के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, और ये लगभग 40 से 45 के करीब पहुंच गई। कम उम्र के नौजवान दुर्लभ को सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे। फाइनली दुर्लभ जिसको भी अपने गैंग में शामिल करता तो सबसे पहले उसे ग्रुप के ड्रेस कोड के हिसाब से तैयार करना होता। इसके बाद सभी की फोटो खींची जाती और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जाता। दुर्लभ कश्यप ने न केवल अपने क्रिमिनल माइंड को नए तरीके से इस्तेमाल किया, बल्कि इसके डिजिटल और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसने अपना एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी डाला था। साथ ही अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वह तमाम बातें होती थी जो अपराधियों के बीच अक्सर किसी गुप्त अड्डे पर हुआ करती थी। किसने क्या काम किया, आगे कौन सा काम करना है और किसको क्या करना है, इस तरह के तमाम प्लान व्हाट्सएप के ग्रुप चैट में बनाए जाते थे। जब फेसबुक पर इस तरह का मैसेज नजर आने लगा तो इस मैसेज की भनक पुलिस के कानों तक भी पहुंची। सोशल मीडिया का ये मैसेज दुर्लभ के खिलाफ एक पुख्ता एविडेंस था। इसके अलावा दुर्लभ कश्यप की और भी कई शिकायतें पुलिस के पास थी, जिसके चलते 2018 में दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया।
दुर्लभ उसके 23 साथियों को इंदौर पुलिस ने 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और इस हिसाब से वह नाबालिग था। दुर्लभ का जन्म 8 नवंबर को हुआ था, इस हिसाब से उसके बालिग होने में 12 से 13 दिन बचे थे, इसलिए पुलिस ने दुर्लभ को गिरफ्त करके सीधा जेल भेजने की बजाय बाल सुधार गृह में भेज दिया। लेकिन जैसे 8 नवंबर के बाद दुर्लभ बालिग हुआ, उसे बड़ों की जेल में भेज दिया गया। दुर्लभ के जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम कर रहा था। दुर्लभ गैंग के सभी सदस्यों में जो नाबालिग थे उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया और बाकी जेल में थे। दुर्लभ ने जो अपराध किए थे उसके चलते वह बेल का हकदार था। वह चाहता तो बड़ी जल्दी बेल लेकर बाहर आ सकता था, मगर उसने बेल लेना मुनासिब नहीं समझा और जेल में रहा। उस समय इंदौर के SSP सचिन अतुलकर हुआ करते थे। दरअसल सचिन अतुलकर ने ही दुर्लभ और उसके साथियों को पकड़ा था, उसके बाद जेल भेजने की कार्रवाई हुई थी। एक बार सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर गए और वहां उन्होंने दुर्लभ कश्यप को देखा। उसे देखकर वह बातें करने लगे। सचिन अतुलकर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्लभ चाहे तो बेल पर बाहर आ सकता है। उन्हीं बातों में उन्होंने कहा कि तुम जब तक जेल में हो तभी तक सुरक्षित हो, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में बाहर तुमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि कोई भी तुम्हें मार देगा, इसीलिए दुर्लभ ने जेल में रहना सही समझा। लेकिन मार्च 2020 से देश में कोर्ट के पेंडिंग का टाइम पीरियड चालू हो गया। हमारे देश में जेलों की हालत ऐसी है कि वहां कैदी क्षमता से ज्यादा रखे जा रहे हैं। जिन कैदियों के अपराध कम है, जो आसानी से जमानत पर छूट सकते हैं, लिहाजा उन कैदियों को छोड़ दिया गया। इस हिदायत के साथ ही पेंडेंसी में गुजरने के बाद वह वापस जेल में आ जाएंगे। इसी कारण साल 2020 में दुर्लभ कश्यप को भी छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद दुर्लभ कुछ समय तक इंदौर में रहा और उसके बाद अपनी माँ के पास उज्जैन आ गया। कुछ दिन इंदौर में रहने के बाद अपने पुराने तौर तरीके पर आ गया, उसी तरीके से बिंदास रहना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने के लिए तैयार रहना। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ रात में नशा करने के लिए निकला करता था। इसके बाद 6 सितंबर साल 2020 में एक दिन शाम को उसकी माँ ने दाल बाटी बनाई थी, जिसे खाने के बाद दुर्लभ ने माँ से कहा वह बाहर घूमने जा रहा है। उज्जैन में जिस जगह दुर्लभ रहा करता था उसके घर के नजदीक चाय की दुकान थी। वह अपने 4 दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए उसी दुकान में गया। वह समय रात के 1:30 बजे का था। उसी समय वहां पर दुर्लभ का एक पुराना दुश्मन आ गया। उसका नाम शाहनवाज था और उसके साथ 10-12 साथी और भी थे। कश्यप की आपस में बनती नहीं थी। कई बार यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए थे। फिर दोनों गैंग आमने सामने थे। जब झगड़ा शुरू हुआ तो शाहनवाज गैंग के लोगों ने चाकू निकाल लिया और दुर्लभ ने भी पिस्टल निकालकर सामने फायर कर दिया। दुर्लभ की पिस्टल से निकली गोली शाहनवाज के कंधे पर लगी। यह देखकर उसकी टीम के सदस्य बौखला गए और उन्होंने दुर्लभ पर वार करना शुरू कर दिया, जबकि दुर्लभ के चारों साथी मौका देखकर वहां से भाग गए। दुर्लभ कश्यप के ऊपर सबने मिलकर लगभग 34 घाव किए। इस प्रकार दुर्लभ की मौत हो गई। बताया जाता है जिस चाय वाले के यहाँ दुर्लभ चाय पीने गया वह भी मारने वालों को उकसा रहा था कि उसे मार दो वरना बाद में बवाल हो जाएगा। दुर्लभ कश्यप की जिंदगी की बस इतनी सी कहानी थी। उसके बाद पुलिस केस होता है। पुलिस दोनों तरफ के गैंग के लोगों को उठाती है, शाहनवाज और उसके साथियों को भी पुलिस जेल में बंद कर देती है। दुर्लभ कश्यप की मौत के कुछ समय बाद उनकी माता जी की मौत हो गई। उनके पिता का बड़ा ही भावुक करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह लोगों से कहते हैं कि अपराध की दुनिया से दूर रहना ही बेहतर है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। दुर्लभ को मारने वाले एक इंसान ने भी जेल की दीवार से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पर अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत